અમદાવાદના એક ક્લબમાં ચક્ર થેરાપી પર યોજાયો અદ્ભુત કાર્યક્રમ જે અમદાવાદીઓને સમજાવવામાં આવ્યું કે કેવી રીતે તમે તમારી સૂક્ષ્મ ચક્રો દ્વારા ઉર્જા મેળવી શકો છો. પ્રથમવાર કર્મની સાચી સાત પદ્ધતિ જાણવા માટે ડોક્ટર ધારા પટેલ દ્વારા સેમિનાર યોજાયો હતો. ત્યારે આ સેમિનારમાં મહાભારતમાં શ્રી કૃષ્ણની ભૂમિકા નિભાવનાર નિશિત ભારદ્વાજ પણ આવ્યા હતા, જેમણે કર્મ વિશે અને ચક્ર થેરાપી તેમના જીવનમાં કેવી રીતે ઉપયોગી છે તે વિશે જણાવ્યું હતું. डॉक्टर धारा पटेल ने ये जो एक सेमिनार रखा है चक्र का मेडिटेशन, चक्रास का मेडिटेशन, उसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर का हीलिंग और कर्म थेरेपी, उसको वहाँ उपस्थित रहने के लिए मैं आज यहाँ अहमदाबाद में आया हूँ. क्योंकि ये जो क्रिया है, ये जिस टाइप का मेडिटेशन है, ये मैं अपने जीवन में भी करता हूँ. और वैदिक फिलॉसफी में हमारा विश्वास है, हम लोग वेदांती हैं और उस मार्ग पर मैं स्वयं एक साधक हूँ, गुरुजी से दीक्षा मिली है. तो मेरा ये विश्वास है कि आज के जीवन में जहाँ लोग भागदौड़ में लगे हुए हैं, वो ये समझ नहीं पाते, एवरीथिंग इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक, सब भौतिकवाद इतना ज़्यादा है कि अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा है कि भौतिकवाद के साथ में अध्यात्म का विकास होना भी स्वयं के भीतर आवश्यक है. और अब लोगों ने ये समझकर उस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है. ચક્રોની હકારાત્મક અસરો, તેના ફાયદાઓ અને જો ચક્રો નબળા હોય તો તેને કેવી રીતે વિશેષ રૂપથી બળવાન કરી શકશો તે તમામ વિગત ધારા પટેલ દ્વારા આપવામાં આવી હતી. તો ચાલો તેના થોડા અંશો જોઈ લઈએ. જબ આપકો લગતા હૈ કે આપ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ કો ફેસ કર રહે હો, તબ તબ આપ વમ કા ઉચ્ચારણ મન કે અંદર કરના શરૂ કર દો. धीरे धीरे ब्लॉकेजेस दूर होंगे एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ करवाई हुई है और आज मैं आपको बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ का मन से उच्चारण करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट आपको देगा. मेनली शब्द की भाषा में चार प्रकार के शब्द होते हैं, चार प्रकार की वाणी बोली जाती है. एक है वैखरी नाड़ी, दूसरी है पश्यंती नाड़ी, तीसरी है मध्यमा नाड़ी और चौथी है परावाणी. अब इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी ताकि आप पूरे सारे सातों सात चक्र को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो उसको आप देख पाओ. जो वैखरी वाणी होती है, जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, जिसका कोई तरंग निकल रहा है उसको वैखरी वाणी बोलते हैं. जो हर एक बंदा, जो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में उसका यूज करता है. उसके बाद वाणी आती है पश्यंती वाणी, जो हम कुछ बोल नहीं रहे होते, हमारे होंठ सिर्फ पड़बड़ाते रहते हैं, आवाज नहीं निकालते, उसको पश्यंती वाणी कहते हैं. उसके बाद की वाणी आती है मध्यमा वाणी, जो हमारे नाभि चक्र से जनरेट होती है, मन ही मन जिसको हम रटते हैं, जिससे हमारी आवाज नहीं आती, हमारे होंठ नहीं फड़फड़ाते, उसको हम कहते हैं मध्यमा नाड़ी. और चौथी वाणी आती है परावाणी, जो चीज हम मूलाधार चक्र से बोलते हैं, बहुत दिल से बोलते हैं और वो चीज सच हो जाती है, उसको हम कहते हैं परावाणी. अब इसका यूज आपको किस तरीके से करना है, दिन में आप अपनी राइट नोज को चालू करके लेफ्ट नोज को दबा के और राइट नोज से सांस लोगे आप, तब आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा और मन ही मन आपको वम शब्द का उच्चारण करना है एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट आफ्टर दैट. ચક્રોનું મહત્વ જીવનમાં ઘણું છે અને શાસ્ત્રોમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. ચક્રો અંગેના વાંચન કરતા તેનું સાચું જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે. ત્યારે માનસિક તણાવ, નાણાકીય મૂંઝવણ, સંબંધોમાં તણાવ જેવી તમામ મુશ્કેલીઓમાંથી દૂર થવા માટે આ સેમિનારમાં સચોટ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. કેમેરામેન નરેશ સોલંકી સાથે દીપિકા ખુમાણ, વીટીવી અમદાવાદ.